बाबा इस वक्त आप कहाँ हैं? कुमारी अंतरी पे बैठे हैं। कुमारी अंतरी? कुमारी अंतरी अंतरी हम हमें द्वीप पर। द्वीप द्वीप पर। भाई साहब आप कौन सी हिंदी बोलते हैं? शुद्ध हिंदी बोलते हैं। यहाँ अगर आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अंदर क्या देखा? स्वर्ग की कारण प्राप्त हो रहा है। आपने अंदर क्या देखा? अंदर क्या था? अंदर माँ पार्वती के पग चिन्ह या कुमारी कन्याकुमारी का जो कुमारी रूप में थे, शिव के शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ व्रत किया था और एक पैर पे खड़ी होकर तपस्या की थी, ऐसा यहाँ बताया गया। कितने टाइम तक तपस्या की थी आपको? अब समय तक तो नहीं बताया गया कि समय अवधि क्या थी, पर यहाँ उन्होंने तपस्या की थी ऐसा बताया। सर पांडे जी आपके बारे आपको क्या कहना इसके बारे में? सर ने बताया कि पार्वती माता ने अंदर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी और शिव जी को पाने के लिए, क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात है। भारत का दक्षिणम सिरा हिंदू महासागर, हिंद महासागर सबसे पहले माता पार्वती ने कन्या रूप में यहाँ पे भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी एक पैर पर खड़े होकर। स्वामी विवेकानंद का जिक्र यहाँ पे बीच में आया है, तो स्वामी विवेकानंद यहाँ आए कहाँ से आए सर? हुए क्या सर? जानना था क्या हम जान सकते हैं कि वो किस टाइम कौन सा ईस्वी सन रहा होगा जिस समय वो यहाँ आए थे? ठीक याद नहीं है। और जो अंदर पद चिन्ह है उसके बारे में आप कहेंगे जी? पद चिन्ह तो धूल मिट्टी या ऐसी जगह पर बनते हैं, क्या पत्थर पर पद चिन्ह बना और वो भी उभर गया, क्या मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसमें कोई गलत नहीं है। तो पांडे जी का कहना कि वो लोग अवतार थे और पत्थर के ऊपर भी उनके पद चिन्ह उभर सकते हैं, ये हम मान सकते हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वो किए हैं, चमत्कार किए। अभी तक आपने तो ओवरऑल व्यू देखा है, वहाँ से आप बैठ के आए यहाँ तक, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, क्या कहना है आपका इस बारे में? ये जगह यहाँ पर कैसा फील कर रहे हैं, महसूस क्या क्या कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लगा। काफी तेज हवाएं चल रही है, सुहावना महसूस कर रहे हैं। इच्छा हो रही है कि हम यहीं रहें। तो ये है शास्त्री सर, ये हमारे फाउंडेशन है और ये स्पॉट बैठ जाएगा। ये स्पॉट ये हमारे सर बता रहे हैं कि किस तरह से इनके पद चिन्ह अगर ये हम रखे रहें कई वर्षों तक तो किस तरह से ये पद चिन्ह उभर आएंगे, ये है यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की जा रही है। ये हमारे लोकेंद्र सर हैं, शॉर्ट में LPG। ये टोपी मास्टर अभी अभी 60 रुपए की टोपी लिए इन्होंने। अरे मैं कह रहा हूँ ये तो नीचे जाना चाहिए ना। नीचे जाना चाहिए सर? ऊपर कैसे? नीचे जाना चाहिए, ऊपर क्यों है सर? वो अवतार थे, कुछ भी हो सकता है। इन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है तो ये तो छोटी सी बात है। अभी हम जाते हैं राव साहब के पास। राव साहब जी सर, आप मोबाइल में लगे हैं, पता है आपका मोबाइल बहुत महंगा है और HTC का है, उसको छोड़िए। आप ये बताइए सामने क्या देख रहे हैं आप? कौन सर? कितने रुपये किलो पीसती है ये आटा? तो सरकार ने पवन चक्की लगाई है, चलो अच्छा है बिजली की उत्पत्ति के लिए। गुरु जी को पानी चाहिए सर, पानी ही पानी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पूरी धरती पानी से भरी है किंतु फिर भी पानी नहीं। पूरी धरती पानी से भरी है फिर भी पानी नहीं है, ये मतलब किस तरह का एक वाक्य है, उसको आप एक बार समझा के सरल शब्दों का प्रयोग करके हमें समझाइए सर। कुछ यूँ समझ लीजिए कि यही विडंबना है, यही आयरनी है। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स सर, पानी किसको कहेंगे आप? क्या वो पानी वही होता है जिसको हम पी सकते हैं? जल होता है जो पीने के लिए।
चल सभी जल पीने के लायक नहीं होते हैं, तो खारा जल है, सुंदर अवश्य है किंतु हम इसका पान नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात कही सर ने, और हमसे ज़्यादा नॉलेज है भाई, हमें क्या आता है यार, हम तो यहाँ पर मजे लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वाली बिल्डिंग की यात्रा करने के बाद, हम फिर से मिलते हैं। कैमरा मैन अमित के साथ, कॉफी वाले मास्टर और सारे एलपीजी भैया।